आज बन रही है काली माश की दाल। देखें आज हमारे घर पर कौन आया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं। नमाज मैंने पढ़ ली है और अब मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ। कुरान शरीफ मैंने रमज़ान से पहले स्टार्ट कर लिया है। इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं और हम छत पर जा रहे हैं और इस वक्त भी इतनी तेज़ धूप हो रही है। और सर्दियों में तो 4 बजे की धूप इतनी अच्छी लगती है और गर्मियों में वही धूप इतनी तेज़ लग रही होती है। हम आए थे चिड़ियों को बाजरा वगैरह डालने के लिए, वो हमने डाल दिया है और अब हम नीचे जा रहे हैं। नीचे जाके करनी है रात के खाने की तैयारी। और ये मैंने सीढ़ियों के गमले रखे हुए हैं, आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में दिखाए थे, कड़ी पत्ता अरबी के पौधे। आज मैं ढाबा स्टाइल माश की दाल बना रही हूँ। ये माम के टॉयज हैं, छोटे छोटे टॉयज बहुत प्यारे लग रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको रख दिया है। चले मैं रेसिपी की तरफ आती हूँ। मैंने दाल को वॉश करके चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इसमें कड़ी पत्ता हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, साथ ही हल्दी भी 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। दाल पकनी स्टार्ट हो गई है तो मैं इसको 30 मिनट के लिए ढक्कन ढाक के पकने के लिए रख रही हूँ। दाल गल रही है जब तक मैं इसका मसाला बना लेती हूँ और मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट भी बताती हूँ। लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, पिसा धनिया 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ जीरा 1/2 टीस्पून और नमक हल्के जायका। और साथ में मैंने लिए 1 प्याज और 2 टमाटर। अब इसको ग्राइंड कर लूँगी। प्याज और टमाटर मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। सारे इंग्रेडिएंट रेडी है तो मैं दाल का मसाला बनाती हूँ। पतीले में ऑयल डाला और अब 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अब इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं इसमें टमाटर और प्याज जो पहले ग्राइंड करके रखी है वो मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें सारे मसाले जो मैंने पहले ही निकाल लिए थे वो सारे ऐड कर रही हूँ और इन सब को अच्छी तरह से पकाऊंगी। जितना हम मसाले को अच्छी तरह पकाएंगे तो दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इसको 5 मिनट अच्छी तरह से भून लेती हूँ। मैंने मसाले को 5 मिनट अच्छी तरह भून लिया है और अब 10 मिनट के लिए इसको ढक्कन ढाक के पकने के लिए रख रही हूँ। 10 मिनट हो गए हैं और ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इसको हम 2 मिनट और भूनेंगे। और ये देखें कौन आया है। आज आई है माहम, काफ़ी दिन बाद आई हैं। उनके पेपर्स हो रहे थे और अभी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बुखार भी हुआ हुआ है, तो मैंने कहा आ जाओ यहाँ पे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। और देखें यहाँ आकर कितनी खुश हैं माशाल्लाह। और हम सब भी उसे बहुत मिस कर रहे थे। और अब हम वापस अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। ये मसाला हमने अच्छी तरह भून लिया है, दाल भी अच्छी तरह से गल गई है। मैं इसको थोड़ा सा घोट लेती हूँ और इसके बाद अब मसाला ऐड कर रही हूँ। और मसाले को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने पानी ऐड कर दिया है और अब दाल पकना स्टार्ट हो गई है। तो इसको ढक्कन ढाक के 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देती हूँ। माम को लग रही है भूख तो इसके लिए बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज। माम को फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है, उनके तो फेवरेट हैं। और फ्रेंच फ्राइज रेडी हो गए हैं और माम को फीवर हो रहा है तो इस वजह से उनको कैचअप नहीं दे रही हूँ, सादे फ्रेंच फ्राइज खाएंगी वो। माम ने फ्रेंच फ्राइज खा लिए हैं और अब वो मेरे साथ किचन में आ गई हैं। वो कह रही है मैं भी आपके साथ खाना बनाऊंगी। और उन्होंने भी थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी ले ली है, वो पका रही हैं अपने आर्टिफिशियल टॉयज़ के साथ। उसको बहुत शौक़ है, बचपन से वो मेरे साथ इसी तरह किचन में खेलती थी। मैं रोटी पकाती थी तो उनके छोटा सा बेलन है तो वो उससे अपनी रोटी पकाती थी। और आज फिर से उनको अपना बचपन याद आ गया तो मेरे साथ खाना पकाने खड़ी हो गई। माँ हमको घर के काम करने का बहुत शौक़ है, बहुत खुशी खुशी करती हैं वो सारे काम। और अब मैं खाने के लिए तल रही हूँ पापड़ ताकि जल्दी से खाना निकालूँ। काफ़ी देर हो गई है, हम सबको भूख भी लग रही है, दाल भी रेडी हो गई है और बहुत यमी और टेस्टी दाल बनी है। आप लोग भी मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। और अब हम खाना खाएंगे और यहीं पर मैं अपनी वीडियो को भी एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें।